तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि केकेआर वर्सेस आरसीबी मैच के दौरान किस तरह से विराट कोहली को आउट दिया गया था, जिससे विराट कोहली बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद उनकी अंपायर के साथ काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी नो बॉल को लेकर। इसके बाद विराट कोहली पर केकेआर के खिलाफ मैच का 50% जुर्माना लगाया गया था, जिस पर स्टार स्पोर्ट्स ने भी एक पोस्ट की थी उन्हें आउट क्यों दिया गया था। और अब मोहम्मद कैफ, जो कि स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं, इस बीच उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर विराट कोहली के विकेट और टूर्नामेंट में अंपायर के फैसले पर रिएक्शन दिया है। मोहम्मद कैफ ने लिखा कि विराट कोहली जिस गेंद पर आउट हुए थे वो साफ तौर पर बीमर था। बीमर का मीनिंग होता है जो बैटिंग कर रहा है उसके सिर या शरीर के ऊपरी हिस्से पर बिना उछले सीधी फेंकी गई बॉल, जिसे नो बॉल कहते हैं। वहीं एक गेंद जो एमएस धोनी के बल्ले के नीचे से गई उसे अंपायर ने वाइड दिया था। कैमरा रिप्ले तकनीकी, लेकिन फिर भी हो रही ऐसी गलतियाँ। खराब अंपायरिंग, मोहम्मद कैफ के इस पोस्ट को विराट कोहली ने भी लाइक किया है। देखिए, एक बॉल पे 10 तरीके से आप बल्लेबाज को आउट कर सकते हो, और अगर आपने 6 बॉल डाली तो आपके पास 60 मौके बनते हैं, 60 मौके बनते हैं बल्लेबाज को आउट करने का। तो जो मोड ऑफ डिसमिसल्स है वो तरीका 10 हो उसका। अगर आप नियम के पन्ने खोलोगे तो आपको आइडिया होगा कि 10 तरीके से बल्लेबाज आउट होता है। अब आउट हुए हैं विराट कोहली बीमर पे, ये और जोड़ लो एक तरीका। बीमर पे विराट कोहली को आउट दिया गया वो एक निहायत ही घटिया निर्णय, क्योंकि यहां की बॉल आप कंट्रोल कैसे करोगे, ये तो बॉल अलाउड ही नहीं है। जो बॉल राणा के यहां से छूट गई, गलती से यहां बॉल आ गई, जिसपे नो बॉल होनी चाहिए, राणा को माफी मांगनी चाहिए कि भाई सॉरी छूट गई बॉल, वहां विराट कोहली को आउट दिया गया। बहुत ही घटिया निर्णय, क्योंकि क्योंकि जो ट्रेजेक्ट्री है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने बॉल यहां अगर खेली, थोड़ा सा आगे क्रीज में थे मैं समझ सकता हूं, पर फिर भी वो पहले से खड़े थे क्रीज पे। यहां अगर आपने बॉल को डिफेंस किया वो कंट्रोल आप नहीं कर सकते। बल्लेबाज हमेशा नीचे देखता है पिचिंग की लाइन पे कि बॉल कहाँ पड़ के आ रही है, निगाह उसके नीचे जाती है, इस बॉल के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो निहायत ही खराब निर्णय अंपायर का विराट कोहली का जो आउट दिया गया। वैसे इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि ध्रुव राठी अपने चैनल पर इंडियन मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कैम के ऊपर वीडियोज बना रहे हैं, जिसकी वजह से एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल ने पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच को हेट स्पीच बताया और ये चीज़ ट्विटर यानी एक्स पर ट्रेंड करने लगी, जिसके पीछे का रीजन आप इस क्लिप को देखकर समझ सकते हैं। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally, triggering widespread anger from Muslims and members of the opposition. And Mr. Modi said if the opposition Congress is voted back into power, it In an election rally in the western state of Rajasthan on Sunday, Indian Prime Minister Narendra Modi's comments sparked a nationwide outrage. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। The opposition is calling these remarks hate speech. It has long accused Mr. Modi and his Bharatiya Janata Party for using communal and divisive politics for electoral gains. और ध्रुव राठी को जो हेट मिल रही है उनकी वीडियोस की वजह से, जैसे कि कुछ दिनों पहले सिपू जी ने उन पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद ए टू सर यानी कि अरविंद अरोरा ने भी अपने चैनल पर उन्हें एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाई थी, जिसके रिप्लाई में ध्रुव राठी ने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। तूने अपनी तुलना की है नेताजी सुभाष चंद्र बाबू से, अरे वो बब्बर शेर का शेर हिंद, और तू कुत्ता था कुत्ता ही रहेगा, और तू कुत्ता था कुत्ता ही रहेगा। इसे एक बात कही थी कि मेरी बातों का जवाब नहीं है तो इसलिए नाम रख दिया। अच्छा एक काम करना, जब चाहे सामने बैठ लाइव करते हैं, तू अपने सवाल लेके आना, तू सरकार के खिलाफ मेरे को घंटा भर नहीं पड़ता। मेरे वतन के खिलाफ सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोल, बाकी जिसके खिलाफ बोलना बोलो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, लेकिन इस सबसे फर्क क्या पड़ता है? कुछ मिसोजिनिस्ट रिग्रेसिव छपरी लोगों को एक नया वर्ड मिल गया। कहें ये चाहे खुद को कुछ भी, होते ये मिसोजिनिस्ट छपरी है। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। बहुत कुछ किया है इस देश के लिए मोदी ने, इतनी जल्दी भूल के किसी की बातों में मत आइएगा। दोस्तों, जिनके कार्यकाल में नारियों को नंगा करके घुमाया गया वो कैसे अच्छा दिन ला सकते हैं? ऐसे जुमलेबाज बातों पे भरोसा मत करो। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।